तो फ्रेंड्स, आज हम मोशन इनवर्टी के फार्मूला पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फार्मूले आते हैं फिजिक्स में और उस फार्मूला का क्या यूज़ है। इस मोस्ट ऑफ द फार्मूले जितने भी मोशन इनवर्टी में आते हैं, वो सारे फार्मूला आज हम देखेंगे। और इसको देखने के बाद आप जितने भी मोशन इनवर्टी के क्वेश्चन होते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मोशन इन वन डी के फार्मूला को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कहीं पे डी आर या डी एक्स से डिनोट किया जाता है। तो ये होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का वेक्टर फॉर्म करने पर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। और डिस्टेंस जो होता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है कभी भी जीरो नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैन भी जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपका जीरो नहीं होता है। जीरो और नेगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो नेगेटिव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वी एवरेज जो हो जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम आपको एवरेज वेलोसिटी देता है। ठीक है, ये लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखने को आपको मिलेगा, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये जो है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, थैंक्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। आप नॉर्मली ये फार्मूला यूज करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, एट अ मोमेंट के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है, एट अ टाइम टी, जिस टाइम पे आपको बात किया जाए उस टाइम पे ये फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है उसको अगर एस से डिनोट किया है, तो एस एवरेज जो हो जाएगा आपका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टाइम इंटरवल लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको एल अपॉन डेल्टा टी, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो वेलोसिटी का भी यूनिट जो है आप मीटर पर सेकंड ही लिखेंगे। और यहाँ पे जो है आप एस एवरेज जो है, एस एवरेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाएगा मॉड ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैन भी जीरो हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी जीरो आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एस इक्वल्स टू मॉड ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, जो मॉड ऑफ वेलोसिटी के इक्वल्स होगा। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जर्नी को डिवाइड किया हुआ होगा इक्वल टाइम में, या जर्नी डिवाइड किया हुआ है इक्वल डिस्टेंस में, तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे केस को हम देखते हैं। इफ़ जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल टाइम, अगर इक्वल टाइम में आपका जर्नी डिवाइड है तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ये देखने वाली बात है। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है वी वन है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वी टू है, ठीक है, सो ऑन, यहाँ पे कुछ वी एन वेलोसिटी है, ठीक है, और ये सभी का टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, मतलब टी 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 सब टाइम इंटरवल सेम टाइम इंटरवल में ये ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे फार्मूला इस केस में जो हम फार्मूला लगाते हैं, एस एवरेज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वी एन अपॉन एन लगाते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है ये अरिथमेटिक मीन को बताता है, किसको बताता है, अरिथमेटिक मीन को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर जर्नी आपका डिवाइडेड हो इक्वल डिस्टेंस में तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसको देखते हैं। ठीक है, इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, जब जर्नी आपका इक्वल डिस्टेंस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ऊपर वाला जर्नी क्या था आपका, इक्वल टाइम में डिवाइडेड था तो अरिथमेटिक मीन का यूज किए थे। अब ये जो है आपका इक्वल डिस्टेंस में डिवाइडेड है, मतलब यहाँ का भी डिस्टेंस डी है, यहाँ का भी डी है, यहाँ का भी डी है, यहाँ का भी डी है, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लीजिए ये डी डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी वी वन था, यहाँ पे वी टू था, एंड सो ऑन, यहाँ के लिए वी एन है। तो इस केस में जो आप फार्मूला लगाएंगे, एस एवरेज इक्वल्स टू एन अपॉन वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू प्लस वन अपॉन वी थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन अपॉन एस एवरेज इक्वल्स टू वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू प्लस वन अपॉन वी थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप जो है याद रख सकते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो आप रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं इसी तरह से कुछ जोड़ते हैं, इस तरह से आपको इसको याद रख सकते हैं कि जर्नी अगर इक्वल डिस्टेंस में डिवाइडेड हो तो कि कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको वेलोसिटी दिया हो, वेरिएबल वेलोसिटी दिया हो, वेरिएबल स्पीड दिया हो, उससे आप कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको दिया हो वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी दिया हो x के टर्म में, किसी भी टर्म में दिया हो, तो उस केस में जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप डेल्टा x इक्वल्स टू लिख कर सकते हैं वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी टी वन टाइम से टी टू टाइम तक। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला यूज करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपका वेलोसिटी जो होगा वेरिएबल होगा किसी टी टाइम पर, तब आप डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी आप डिस्टेंस के लिए जो है, अगर आपका स्पीड वेरिएबल दिया हो और आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, निकालने के लिए कहा गया आपको क्वेश्चन में, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। शर्त ये है कि यहाँ पे आपका स्पीड जो होता होना चाहिए वो वेरिएबल होना चाहिए,
ठीक है, या आप वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो, लेकिन स्पीड जो है आपको मॉड में लेना, सॉरी वेलोसिटी जो आपको मॉड में लेना होगा। यहाँ पे क्या शर्त है कि ये वेलोसिटी और स्पीड जो है आपका वेरिएबल होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, ग्राफ के टर्म में भी होगा तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है एवरेज एक्सेलरेशन का, वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात किया जाए, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो ये जो हो जाएगा ए एवरेज, सॉरी ए इंस्टेंटेनियस, बुक में आपको ये मिला है, लिख सकता है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। ये स्मॉल चेंज के लिए आपको देखने को मिलता है, यूज करते हैं ये फॉर्मूला स्मॉल चेंज के लिए, एट अ टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ए जो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, इसको आप लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ये तो आपका वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया हो और आपको एक्सीलरेशन पूछ रहा हो, इस फॉर्म में जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके भी आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं आप लोगों को वन डी में मोशन, प्लेन में वन डी में मोशन भी दिखा बताएंगे और इसके साथ साथ मोशन अंडर ग्रेविटी के का भी फॉर्मूला यहीं पर हम बता देंगे। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बताने से पहले मैं बता देता, अगर कोई मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, इससे बॉल को अगर आप नीचे गिरा रहे हैं, फ्री फॉल करा रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हम मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, फ्री फॉल कराने का मतलब यहाँ पे यू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मान लीजिए ये एच हाइट का बिल्डिंग है, ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिएगा तो ऊपर में जो होगा अगर पॉजिटिव होगा, अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जो होता है जी, मोशन अंडर ग्रेविटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका जो होगा जी, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस जी में आप यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन जो होगा वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे सबको वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये हो गया मोशन इन वन डी में हो जाएगा, प्लेन पर अगर यूज करेंगे इसको तो। ठीक है, अगर यही अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे बॉल अगर नीचे आ रहा है या ऊपर भी देते हैं उधर ग्रेविटी जो क्या होता है नीचे की तरफ ही लगता है, इसीलिए जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आप निगेटिव यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे किसके लिए यूज करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, और ये यूज करेंगे वन डी मोशन के लिए। ठीक है, वन डी मोशन के लिए। ठीक
है, इसमें शर्त यह है कि ये जो एक्सेलरेशन होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, चेंज होने वाला एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरा फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है कि s = मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut + ½ at² ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। s = ut + ½ at² इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Δx = u t₂ - t₁ + ½ a t₂² - t₁² ठीक है। अगर ग्रेविटेशन के लिए लिखना हो, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, तो u t₂ - t₁ - ½ g t₂² - t₁² ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ माइनस ऐड करने चले जाना है, ठीक है। अब थर्ड फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है, तो होता है वो Δx = अगर ये तो हो गया, अगर दो डिफरेंट टाइम दिया हुआ उसके लिए, अगर t₁ मान लिया जाए 0 हो, ठीक है, t₁ क्या हो 0 हो, t₂ कुछ दिया हुआ हो, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ut + ½ at² जो ऊपर लिखा हुआ है बस वही, और Δx = ut - ½ g t² ठीक है। अब बात करते हैं, एक और फार्मूला होता है आपका, ये थर्ड नहीं है, ये थर्ड फार्मूला हो जाएगा v² = u² + 2as ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए लिखना होगा तो v² = u² - 2a 2gs लिखें, ठीक है। अब अगर चौथा देख लेते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो nth सेकंड में, ठीक है, मतलब 5वें सेकंड में, 6ठे सेकंड में, ठीक है, या 3rd सेकंड में पूछे, ऐसा कुछ पूछता है क्वेश्चन, एग्जैक्ट वो 3rd सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चला, वो निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के लिए, ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका Δx(nth) इक्वल्स टू u + 2n - 1 a/2। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए अगर यूज करेंगे तो u - 2n - 1 g/2, ये यूज कर सकते हैं। सिर्फ इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, तो आप ये जो यूज करेंगे इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक्सेलरेशन आपका दिया ना हो या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे Δx = u + v/2 t, ठीक है, उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, या तो आपका एक्सेलरेशन के बारे में कोई बात कहा ही ना गया हो, ठीक है, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला हो, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में अगर कोई बात नहीं किया हो तब भी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही मान के आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब फ्री फॉल का कंडीशन कुछ देख लेते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और यहाँ पर का वेलोसिटी v1 दिया हो, यहाँ पे का वेलोसिटी v2 दिया हो, और मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा हो, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का मिड पॉइंट पे, वो होता है
v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल की अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फ्री फॉल में लगाते हैं ये तो मैं बता ही दे चुका हूँ इधर। अब बात करते हैं नॉर्मल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है, इस सब का फार्मूला क्या होता है ये हम उसकी बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इस सब के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है उसको आप फ्री फॉल करा रहे हैं किसी एच हाइट से, ठीक है, यहाँ पे यू जीरो होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। अगर एक्सीलरेशन तो देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट एच के। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल दिया हो, मतलब अगर इसमें दिया हो एयर ड्रैग के बारे में बताया गया हो, इससे आपका एक्सीलरेशन वेरी करेगा। एक्सीलरेशन अगर वेरिएबल दिया हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो होगा आपका टी इक्वल्स 1 अपॉन अंडर रूट जी। ठीक है, एयर ड्रैग अगर वेरिएबल दिया हो तो आप इससे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, इस कंडीशन में जो टी हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट जी के। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम ऑफ फ्लाइट ये फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्टिकली अगर अप थ्रो किया जाए, किसी बॉल को वर्टिकली आप ऊपर की तरफ भेज रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में फार्मूला क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्टिकली अप थ्रो के लिए मान लीजिए ये बॉल है, इसको आप यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, यहाँ पे गया मैक्सिमम हाइट पे, किसी मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी फाइनल जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बॉल नीचे की तरफ आना गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जाने में जो टाइम लगा उसको बोला जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, फिर आने में जो वापस फिर अपनी जगह पे आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ क्या बोला जाएगा, उसको डिसेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है कितना मैक्सिमम हाइट गया, तो वो होता है यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है, इसलिए इक्वल्स टू लिखा जाता है यू अपॉन जी। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात किया जाए, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात किया जाए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा टी एसेंट प्लस टी डिसेंट जो हो जाएगा 2u अपॉन जी। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। और अगर एयर ड्रैग के बारे में बोला गया हो, ठीक है, एयर ड्रैग के बारे में अगर आपको बोला गया हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एयर ड्रैग के बारे में बोला गया हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे ये हम देखने वाले हैं। एयर ड्रैग बोला जाए या एयर रेजिस्टेंस बोला जाए, इफ़ एयर रेजिस्टेंट ठीक है प्रेजेंट हो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, ठीक है, तब टाइम ऑफ एसेंट में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2h अपॉन g + r। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2h अपॉन g + r। ठीक है, और टाइम ऑफ डिसेंट जो हो जाएगा 2h अपॉन g - r। ठीक है, देखिए ये कैसे यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे एसेंट में प्लस में हो गया और डिसेंट में माइनस में हो गया ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बॉल आप ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है,
तो हवा जो होगा वो क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। हवा क्या करेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, मतलब क्या करेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। हवा क्या करेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, और जो एक्सेलरेशन पहले से ही था वो आपका भी नीचे की तरफ था, और एयर रेजिस्टेंस का जो एक्सेलरेशन है आर भी, वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में। और टाइम ऑफ डिसेंट पे जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रहा था, लेकिन एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, इसीलिए ग्रेविटी में से आपको आर को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में कौन ज़्यादा होगा, तो टाइम ऑफ, देखिए ये क्या है आपका, ये जो है हर जो है आपका, ये नीचे का हिस्सा जो है अपॉन के नीचे वाला हिस्सा जो है क्या आपका कम है, और ऊपर कम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा, ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब टाइम ऑफ डिसेंट ग्रेटर देन हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, मतलब जाने में समय कम लगेगा और आने में समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मान लीजिए बॉल आप ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, इसी बॉल को आप क्या किए, ऊपर थ्रो किए यू वेलोसिटी से, ठीक है, ऐसे किया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर वापस लौटा। मान लीजिए यहाँ एच हाइट पे पहुंचने में इसको हो T1 टाइम लगा हो, और सेम हाइट से फिर क्रॉस करने में T2 टाइम लगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो टोटल टाइम हो जाएगा T1 + T2 के इक्वल्स हो जाएगा, और ये जो टोटल टाइम होगा 2U/G होगा। तो ये जो h हाइट गया है T1 टाइम में या T2 टाइम में, जो h हाइट क्रॉस किया है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2G T1 T2, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की। ये गैलीलियो साहब ने एक थ्योरी दिया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन पे, वो क्या था सो देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है, आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल देखें या कोई भी बुक पलटेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि एक कॉमन क्वेश्चन रहता है हर बुक में कि आपका जो है नल से टैप से क्या होता है कि फर्स्ट बूंद गिरा, उसके जस्ट 5 सेकंड बाद दूसरा बूंद गिरा, जस्ट 5 सेकंड बाद तीसरा बूंद गिरा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि फलाने बूंद की पोजीशन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये बताते हैं, ठीक है। जैसे किसी हाइट से, मान लीजिए ये टैप है, यहाँ से बूंद गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये जो बूंद, अगर मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो दूसरा बूंद 3x ट्रेवल करेगा, तीसरा 5x एंड 7x, सो ऑन, ऐसे ही ट्रेवल करता स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आप यूज करेंगे x1 × x2 x3, सो ऑन, जो यूज करेंगे 1 × 3 5, मतलब ऑड मल्टीपल में ये आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, ऑड नंबर में ये आपका प्रोपोर्शन साइन देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के लिए क्या है, इसका कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब फ्री फॉल के कंडीशन में ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले की। ठीक है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, कार है ये, ठीक है, ये यू वेलोसिटी से जाना स्टार्ट की, ठीक है।
अब यहाँ ब्रेक अप्लाई करेंगे तो डी एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे यूज होगा। मान लीजिए यूज किए सॉरी एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से इसको डी एक्सेलरेट किए, तो ये किसी टाइम पे किसी डिस्टेंस पे जाके ये रुकेगा, तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो इसको जीरो पुट कीजिए। ये स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या है, पीछे की तरफ लग रहा है, माइनस टू ए एस। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, टू ए एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू ए, यही आपका क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, यही हो जाएगा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस, यही हो जाएगा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही तक था आपका वन डी मोशन का जो भी फार्मूलाज था, इस फार्मूले को यूज करके आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।